हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका जो रेटिंग्स दिया है 70% लोगों का ये राय है, एक्सपर्ट का राय है कि इसको बाई किया जाए, खरीदा जाए। स्टॉक का नाम आप देख सकते हो कि एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये इसका अभी जो प्राइस चल रहा है 1107, एंड ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। ठीक है, आपको मैं अगर इसका रिटर्न दिखाऊं तो अभी तक इन्होंने ये स्टॉक्स ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, बट आपको जो प्राइस में मिल रहा है इस प्राइस में शायद आपको दोबारा ना मिले। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी का स्टॉक इसलिए मुझे आपको मैं स्ट्राइक करने के लिए बोल रहा हूँ। इसका जो कैपिटल है, मार्केट कैपिटल बहुत ही बढ़िया है, एंड खास करके जो 52 वीक्स हाई इसका प्राइस देख सकते हो आप, लगभग 2000 के लेवल में चला गया था। एंड आपका भी सबसे सस्ता यानी 52 वीक्स लो के प्राइस के एवरेज के अंदर अंदर नीचे इसी प्राइस के अराउंड इस 1100 लेवल में आपको खरीदने के लिए मिल रहा है, जो कि अच्छा बाई हो सकता है। तो इसका देखिए जो कंपनी का जो कैपिटल है, मार्केट कैपिटल की जो हम लोग बात कर रहे थे, 15,808 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटल है। इसका आरओई काफ़ी अच्छा है, इसका ईपीएस भी 36.40 है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। डिविडेंड के मामले में भी कंपनी बहुत ही अच्छा रिप्यूटेड एक कंपनी है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर देखेंगे ईयरली, तो कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे मेंटेन करके रखा है। एंड अगर हम लोग प्रॉफिट देखें तो कोई भी नेगेटिव यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, हमेशा यहाँ पे प्रॉफिट पॉजिटिव ये कंपनी एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी ने बना के रखा है। कंपनी का जो नेट एसेट है आप देख सकते हो कि इंक्रीमेंटल मोड पे है, जो कि कंपनी का ये बहुत ही अच्छा साइन है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो देखिए मैक्सिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स प्रोमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा है, मतलब ये कंपनी बहुत ही बढ़िया एक कंपनी है। एंड प्रोमोटर्स के अपने खुद भरोसा है, हाँ ये कंपनी आगे चल के भी अच्छा करेगा। तो इसके लिए आपको ज़रूर एक कंपनी को ट्रैक करना चाहिए एंड इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए यहाँ पे FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने भी लगभग 10% का यहाँ पे खरीदारी किया है। तो आपको ज़रूर इस स्टॉक में दोस्तों निवेश करना चाहिए। जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हाउस है, जैसे SBI, PGIM, इन्वेस्को इंडिया, ये जो मिड कैप फंड है, सारे यहाँ पे पैसा ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो मैं इसको आपको ज़रूर मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि आपको ये स्टॉक्स ज़रूर इसको आप रडार में रखें। इसका कोई डिविडेंड देखिए, जो लास्ट डिविडेंड दिया था 12 अगस्त 2021 को, इसका एक्सटेड था। अभी फ़िलहाल कोई डिविडेंड कंपनी नहीं दे रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। तो इसको आपको ज़रूर रडार में रखें, एंड अगर आपके पास पैसा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर इन्वेस्टमेंट भी आप स्टॉक में कर सकते हो। ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।